इंडिया में सोवा वायरस ने 200 से ज्यादा लोगों के बैंक अकाउंट को खाली कर दिया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी है। सर्ट इनको इस वायरस का जुलाई में पता लगने से अब तक ये 5 बार अपग्रेड हो चुका है। ये वायरस आपके फोन में स्मिशिंग टेक्निक से एंटर करता है। आपके पास ऐसा रैंडम लिंक वाला मैसेज आता है, इस पर क्लिक करने से ये आपके फोन में इंस्टॉल हो जाता है। एडवाइजरी के अनुसार आपके फोन में इंस्टॉल मैलवेयर एक फेक ऐप के रूप में इंस्टॉल होता है और कुछ रेगुलर एप्स के आइकन की तरह ही दिखता है। अभी ये फेक ऐप आपके फोन में इंस्टॉल सभी एप्स की लिस्ट को इस C2 यानी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भेजता है और यहाँ मौजूद ये मास्टरमाइंड टारगेटेड एप्स की लिस्ट को वापस मैलवेयर को भेजता है। अब ये मैलवेयर आपके फोन से कीस्ट्रोक्स, कुकीज, स्क्रीनशॉट्स, वीडियो रिकॉर्डिंग एक्सेट्रा C2 को भेजता रहता है, लेकिन जैसे ही आप टारगेटेड एप्स के जरिए फोन में नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो मैलवेयर फोन में स्क्रीनशॉट और कीस्ट्रोक्स रिकॉर्ड करके इनको C2 पर भेज देता है। अब ये मास्टरमाइंड इन डिटेल्स के साथ आसानी से आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देता है। आपको बता दूं कि इसको फोन से हटाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप भी ऐसी 3D वीडियोस बनाना सीखना चाहते हो तो पिन कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करो।